क्या इंटरनेशनली भारत की इमेज खराब करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है? क्या रिहाना, ग्रेटा और मिया ने फार्म बिल्स पढ़े हैं? और उनकी एक ट्वीट से क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों पहले कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात करना शुरू किया और इन ट्वीट से इंडियन इंटरनेट बट गया। वी अप्रिशिएट कि भारत के इम्पोर्टेंट इश्यूज को अचानक से इंटरनेशनल लाइमलाइट मिल रहा है, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि यूएस में अभी अभी लीडरशिप चेंज हुई। नए लीडर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की प्रोसेस अभी जस्ट शुरू ही हुई। इस समय ये सारा अटेंशन भारत के इश्यूज पर लाना एक कोइंसिडेंस है या एक स्ट्रेटजी? क्योंकि इनके मुताबिक ये प्रॉब्लम अभी सिर्फ किसानों की नहीं रही। किसानों की अल्टीमेट डिमांड तो 3 फार्म लॉस को रिपील कर, लेकिन कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड्स उनसे ज्यादा। इस पूरे इशू में काफी सारी गलतियां हुई हैं और अलग अलग एजेंसी से हुई हैं। तो इस पूरे वीडियो को 4 पार्ट्स में समझेंगे। क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी क्या है, हमें पर्सनली क्या गलत लगा और इन सब से हमें क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको हमारी बातों में दम लगता है तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। पार्ट 1, व्हाट हैपेंड। 26 जनवरी को हमारे देश में होने वाली पीसफुल फार्मर्स प्रोटेस्ट वायलेंट हो गई। इसके बाद 4 किसान यूनियंस ने प्रोटेस्ट से बैकआउट कर दिया क्योंकि उनका इंटेंशन एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, देश को हानि पहुंचाना नहीं। फिर गवर्नमेंट ने किसानों की प्रोटेस्ट साइट और दिल्ली के बीच में एक कंक्रीट से भरा बैरिकेड बिछा दिया। नेल्स हैव बीन पुट इनटू द ग्राउंड एंड वाटर सप्लाई हैज बीन कट। टॉयलेट्स बैरिकेड के दूसरी तरफ होने की वजह से अब ओपन डेफिकेशन शुरू हो चुका है, जो एक बड़ा सैनिटरी प्रॉब्लम हो सकता है। कई ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दिया गया और दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में जहां पर प्रोटेस्ट हो रही थी वहां से इंटरनेट काट दिया गया। सरकार कहती है कि 26 जनवरी के वायलेंस के बाद पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया, whereas किसान कहते हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे इसलिए ये गवर्नमेंट की चाल है। अगर सरकार कहती है कि बात करते हैं तो बीच में ये दरार क्यों? वायलेंस का कोलैटरल डैमेज कहिए या एक लास्ट रिसॉर्ट, लेकिन सरकार ने कुछ कड़ी स्टेप्स लिए। अब इसके बारे में रिहाना ने ट्वीट किया और पूछा, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। यहां तक तो ठीक, लेकिन फिर ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट शेयर किया जिसमें कई ऑब्जेक्शनेबल चीजें लिखी गई थी। जब कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजों पर लोगों ने सवाल करना शुरू किया तो ये पुराना टूल किट अचानक से डिलीट हो गया और एक नया अपडेटेड टूल किट आ गया। पार्ट 2, इसमें कंस्पिरेसी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये एंगल सिर्फ गोदी मीडिया कवर कर रहा है तो ये सच हो ही नहीं सकता। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रिंट नाम के एक इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल से है। असली प्रॉब्लम तो तब सामने आती है जब हम उनके सोर्सेस के बारे में और उनके कैंपेन्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ये टूल किट हमें आस्क इंडिया वाई नाम की एक वेबसाइट तक ले जाती है जिसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने बनाई है। ये एक कैनेडा बेस्ड फाउंडेशन है जिसे इस पूरे सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। PJF एक ऐसा फाउंडेशन है जिन्होंने रेड फोर्ट पर जो इंसिडेंट हुआ था उसे डिफेंड भी किया था। उन्हें इस चीज में कुछ गलत नहीं लगा। स्काई रॉकेट नाम की एक PR एजेंसी है जिसने रिहाना को अलेजेडली $2.5 million पे किए ताकि वो फार्मर्स की प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें। ये आज की डेट में सिर्फ एक सस्पिशन है क्योंकि लोगों ने इस पुराने वाले टूल किट के स्नैपशॉट्स लिए थे। ग्रेटा ने ट्वीट करने के बाद भी ऑन द स्पॉट उसमें चेंजेस हो रहे थे। मुझे एक बात बताइए कि अगर इस टूल किट में कुछ गलत था ही नहीं तो इसे डिलीट करने की क्या जरूरत? चीजें डिलीट तभी होती है जब एक एक्शन बैकफायर करती है। पार्ट 3, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस पॉइंट के बाद जो हम बातें कहने जा रहे हैं वो हमारी एक पर्सनल राय है, एक ओपिनियन। अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो यस, प्रोटेस्टर्स को अगर पानी और टॉयलेट से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है तो ये गलत है। प्रोटेस्ट साइट्स पर सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया है जो एक हेल्थ हैजर्ड भी, और गवर्नमेंट को ये टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेन्युइन सपोर्ट दिखाना एक तरफ और पूरे देश के बारे में एक नैरेटिव बनाना एक तरफ। देखिए, एक टूल किट बनाना कोई गलत बात नहीं है जिससे लोगों को आइडिया आए कि चल क्या रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने बड़े टूल किट में फार्म लॉज एग्जैक्टली क्या है ये पढ़ने की एक लिंक होनी चाहिए ताकि लोग सीधा बिल्स पढ़ पाए और समझ पाए? शायद ये अपडेट ग्रेटा ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। ग्रेटा ने दिए हुए पहले टूल किट में ग्रेटा अडानी और अंबानी से दूर दूर तक रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है कि अगर कोई कंपनी इनसे रिलेटेड है तो उनमें डाइवेस्ट करो ताकि एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो। और उसी के पहले वाले ट्वीट में CNN का एक आर्टिकल शेयर कर दिया। CNN को इंडिया में कौन ऑन करता है? नेटवर्क 18। और नेटवर्क 18 किसकी कंपनी है? रिलायंस। ऐसी बातें होने पर इस पूरे मामले को कितना सीरियसली लिया गया है ये दिखता है। किसान पहले से कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ पंजाब के किसानों के नहीं पूरे देश के किसानों की, लेकिन फिर भी ये टूल किट 1984 से लेकर सिख कम्युनिटी की कैसे हत्या हो रही है इस पर बात करता है। 1984 में एंटी सिख रायट्स हुए थे जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग मारे गए थे। आई मे बी रॉन्ग बट टेल मी वन थिंग,
इस बात का फार्म बिल से क्या लेना देना। ये कुछ अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, लोगों को डराने की, कॉम्युनल वायलेंस को याद दिलाने की कोशिश हो रही है, जो हमें रोकने की सख्त जरूरत और उसी के साथ साथ हमें साथ रहने की और एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की ताकत रखने की जरूरत। सिख कम्युनिटी हमारे देश का एक अहम हिस्सा है, इसकी हमें और पूरी दुनिया को खबर होनी चाहिए। और ये कब होगा? उन्हें तोड़कर नहीं, उन्हें जोड़कर। अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है तो वो इसीलिए चल रहा है ताकि हम एक दूसरे से लड़े, हमारे ओपिनियंस को इतने एक्सट्रीम्स तक लेके जाए कि देश को तोड़ने का काम और आसान। और इस वीडियो का मकसद ऐसे ही इरादों को रोकना। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें पर्सनली ग्रेटा, मिया या रिहाना के ओपिनियन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक डिबेटेबल ओपिनियन को एक हार्ड कोर फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है। फिर लोग ठीक से सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है। जब सिलेक्टिव चीजों को हाईलाइट करके एक एब्सोल्यूट ट्रूथ बनाया जाता है, यही अप्रोच होता है पोलराइजेशन का। और हमें इस पोलराइजेशन से प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हैं? हम इन्फॉर्म्ड बन सकते हैं, हर चीज के बारे में पढ़ें, दोनों साइड्स के ओपिनियन समझे और बिना पूरा पिक्चर समझे एक साइड चुन के पॉलिटिकल एक्टिविज्म मत कीजिए। एक बात सच है कि रिहाना ने एक सवाल पूछा था कि व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, उससे हम ऑफेंड नहीं हुए, उससे हम इंस्पायर हुए। तो चलिए बात करते हैं उन किसानों से, बात करते हैं जिनसे कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा, जिनकी कोई भी इन सारे मुद्दों पर राय नहीं मांग रहा। वो ट्विटर पर नहीं है और सिर्फ घर बैठे नहीं, ऑन ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। पंजाब, जहां के किसान भारत के सबसे अमीर किसानों में से हैं, वैसे ही ऐसी भी जगह हैं जहां के किसान भारत के सबसे गरीब किसानों में से हैं। जहां पानी कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा पानी मांगने वाले क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जाता है। जिनमें से कई लोग इस वजह से सुसाइड करते हैं कि आज की जो सिस्टम है, जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, वो उन्हें सही प्राइस देती ही नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि इस साल हम ऐसे ही किसानों की स्टोरीज आपके सामने लाएंगे जिनसे आपको एग्रीकल्चर का ये मुद्दा समझने में हेल्प हो। शुरुआत मराठवाड़ा से होगी, जहां पानी इतना कम है कि टैंकर भर भर के ट्रेन से पानी वहां तक पहुंचाया जा सकता है ताकि लोग पानी पी सकें। और एंड तभी होगा जब एग्रीकल्चर का सच आप तक पहुंचेगा। और ये सफर देश के बाहर बैठकर एक ट्वीट करने जितना या फिर देश में कितने प्रॉब्लम्स है इस पर कमेंट्री करने जितना आसान तो नहीं है, लेकिन उससे 100% ज्यादा इफेक्टिव। अगर आपको ये अप्रोच सही लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, इन कहानियों को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइन्स में सिर्फ एक का फर्क, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।